गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है सौंफ। क्या है सौंफ? सौंफ की मीनिंग होती है फिनल, है फिनल जी, है फिनल। ठीक है, फिर बात करें इसके वानस्पतिक नाम की, तो वानस्पतिक नाम होता है फोनिकुलम वल्गर। वानस्पतिक नाम क्या होता है? फोनिकुलम वल्गर। कुल की बात करें तो कुल होता है अम्बेलिफेरी। कुल क्या होता है? अम्बेलिफेरी। उत्पत्ति स्थान होता है वो मध्य सागरीय क्षेत्र। उत्पत्ति स्थान क्या होता है? वो मध्य सागरीय क्षेत्र। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र होता है 22। 22 गुणसूत्र होते हैं। वितरण, टॉपिक आता है अपने वितरण। तो वितरण की बात करें तो वितरण होता है कि भारत में सर्वाधिक सौंफ का उत्पादन। भारत में सर्वाधिक सौंफ का होता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात व राजस्थान में सौंफ का उत्पादन होता है। अब बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक सौंफ कहाँ होती है? राजस्थान में सर्वाधिक सौंफ कहाँ होती है? तो इसमें देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक सौंफ का उत्पादन सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर। सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर व टोंक जिलों में होता है। सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर व टोंक जिलों में जो सौंफ का उत्पादन होता है। अब बात करें फिर उपयोग महत्व। तो इसमें देखिएगा, उपयोग महत्व में सौंफ के दानों को अगर पीस कर भी अपने काम लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और पूरे कुछ डायरेक्ट काम लेते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। तो इसमें देखिए, सौंफ के दानों को पीस कर या पूरे दानों का उपयोग लिया जाता है। ठीक है, फिर है सौंफ के दानों से क्या तैयार होती है? सौंफ आपको पता है कई बार गार्डन में जाते हैं तो रेड रेड कलर का पेय पदार्थ होता है। रेड रेड कलर का क्या होता है? पेय पदार्थ, उसको बोलते हैं सौंफ। ठीक है, फिर अचार, टमाटर सॉस, चॉकलेट आदि तैयार करने में इसके दानों का प्रयोग किया जाता है। अब यहीं पे आपको नोट डाल के लाइन लिखनी है कि सौंफ के दानों का मधुर स्वाद क्या है? सौंफ के दानों का मधुर स्वाद व सुगंध, सौंफ के दानों का मधुर स्वाद व सुगंध इसकी बनाती है एथिनोल व फ्रेकोन। एथिनोल व फ्रेकोन के कारण आती है। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाने की बात है कि एथिनोल एक प्रकार क्या होती है? गैस। एथिनोल एक प्रकार क्या होती है? गैस। तो गैस से क्या आएगी? सुगंध। क्या आएगी? सुगंध। तो आप क्वेश्चन पूछे जाए कि सौंफ के दानों में सुगंध आने का कारण है तो वो क्या है? एथिनोल। क्या है? एथिनोल। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है जेट में कि सौंफ के दानों का मीठापन किसके कारण होता है? सौंफ के दानों का मीठापन किसके कारण होता है या मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो होता है फ्रेकोन के कारण। किसके कारण होता है? फ्रेकोन के कारण। ये आपका उपयोग में तो कंप्लीट हो गया। फिर बात करें जलवायु की, बात करें किसकी? जलवायु की। तो देखो, शुष्क व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है इसकी खेती के लिए। किसकी? ठंडी व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है इसकी खेती के लिए। उपयुक्त तापमान रखा जाता है, उपयुक्त तापमान रखा जाता है, वो रखा जाता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य खेती के तापमान होना चाहिए। अब बात करें मादा, तो मादा अन्य फसलों के समान अपन लेते हैं कि वो क्या है? क्या लेते हैं? उपयुक्त जल निकास वाली। क्या है? उपयुक्त जल निकास वाली जीवांश में युक्त, उपयुक्त जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट मृदा जिसका पीएच मान, दोमट मृदा जिसका पीएच मान कितना हो? 6 से 7 के मध्य हो, वह मृदा इसकी खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त मानी जाती है। ये आपके मृदा हो गया। अब बात करें किस्मों की, यहाँ पे किस्में वैरायटी, तो इसमें देखिए गुजरात सौंफ, गुजरात सौंफ एक, गुजरात सौंफ एक, फिर पीएफ 35। अब जो पीएफ 35 है इसको ऑनलाइन लेना, पीएफ 35 को ऑनलाइन लेना, PF35 को आपको क्या करना है? अनलाइन लेना है। फिर इसके आगे है RF 101 135
आर एम 101, 135 प्लस सीओ वन को भी लाइन लेना, सीओ वन को लाइन लेना, कई जगह आएगा आपके सीओ वन, आगे उद्यान की बच्चे चलेगी जैसे फल वाले माह में भी सीओ वन आएगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे ये किसकी होगी, बात करें डिजिटल की, बात करें किसकी डिजिटल की, तो दर सौ की बिजली जाती है 10 से 12 केजी पर कितने सौ की बिजली रखी जाती है, ये बिजली हो गई। बात करें दूरी की, तो दूरी रखी जाती है कितनी, अब दूरी इसमें ज्यादा रखी जाती है क्योंकि इसका पौधा है झाड़ी के रूप में फैलता है, झाड़ी के रूप में फैलता है, तो झाड़ी के रूप में फैलने वाले पौधों के लिए हमेशा दूरी क्या रखी जाती है ज्यादा, तो इसमें लीजिएगा 60 इंटू दूरी लिखिएगा, फिर यहां से बैठा रहा हूं मैं, दूरी को 60 इंटू 20 इंटू 2 से 3 सेमी दूरी, 60 इंटू 20 इंटू 2 से 3 सेमी, 60 इंटू 20 इंटू 2 से 3 सेमी इसकी दूरी हो गई। खाद बुआई का समय है, बुआई का समय इसमें देखिएगा, बुआई का समय में आपको लिखना है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, बुआई का समय हो गया। अब बात करें इसके आगे खाद है उर्वरक, खाद एवं उर्वरक इसमें लिखिएगा 10 से 12 टन एफआईएम, 10 से 12 टन एफआईएम 80 से 100 केजी, 80 से 100 केजी नाइट्रोजन, 80 से 100 केजी नाइट्रोजन, 20 से 30 केजी फॉस्फोरस, 20 से 30 के लिए फॉस्फोरस प्रत्येक काम में लेते हैं, यहाँ भी इतना प्रत्येक काम में लेते हैं, यहाँ पे भी पोटास काम में नहीं लेंगे। 2011 के सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था कि सौंप की फसल में पोटास की मात्रा ली जाती है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा 0 केजी और 0 केजी ऑप्शन में था, ठीक है, तो वहाँ पे आंसर भी क्या आ जाएगा 0 केजी। अब इसके आगे बात क्या हम सिंचाई की, बात करें किसकी सिंचाई की, इसमें देखिएगा 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, कितनी की होती है 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी जलमान कितना साथ साथ मेन इंपोर्टेंट, इसकी जलमान, जलमान कितनी है इसकी 600 mm, जलमान कितनी होती है 600 mm। फिर प्रथम सिंचाई है जो बुआई के तुरंत बाद, प्रथम सिंचाई बुआई के तुरंत बाद, प्रथम सिंचाई की जाती है बुआई के तुरंत बाद, तथा अन्य सिंचाई अन्य सिंचाई लिखिएगा पौधे की वृद्धि के समय, पौधे की वृद्धि के समय वह दाना बनने समय, दाना बनने, ठीक है। अब बात करें अपन खरपतवार नियंत्रण की, यहाँ पे देखिए खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, तो खरपतवार नियंत्रण में वो क्या करेंगे अपन, या तो वैशाली या पेंडा वैशाली, तो यहाँ पे लिखिएगा
खरपतवार नियंत्रण के लिए मुख्यतः एक से डेढ़ के जी पेंडा मिथाइल का प्रयोग करना चाहिए। इनका क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अब बात करें रोग हुए कीट, बात किसकी करें, रोग हुए कीट इसे लिखना अन्य फसलों के समान। बात करें इसकी उपज की तो उपज होती है 18 से 20 किलोमीटर प्रति एकड़, 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है सौंफ का, ठीक है। सौंफ की फसल आपकी कंप्लीट हो गई, और सौंफ की फसल कंप्लीट होने के साथ साथ क्या है आपका जो लेसन नंबर 6 है जो सबसे बड़ा है, मतलब इसमें कितने ग्रो हुए, 30 ग्रो हुए, तो सबसे बड़ा लेसन था वो आज अपना कंप्लीट हो चुका। अब कल इससे आगे हम पढ़ेंगे या तो इकोनॉमी का चैप्टर या हॉर्टिकल्चर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन जहाँ तक संभव है अपन इकोनॉमी का सिंचाई वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे, इरीगेशन सिंचाई, क्योंकि सिंचाई की परिभाषा वगैरह मैंने आपको लेंदु लिखवा रखा है और यहाँ पे भी अपनी सिंचाई आएगी। सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ होती है, इलेवन में तो आप सिंचाई के स्रोत थे और यहाँ पर सिंचाई की विधियाँ हैं, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कल।